महामारी से निपटने के लिए सरकार ने दो गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पब्लिक इसका पालन नहीं कर रही है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए कानपुर के 11वीं के छात्र ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो शर्ट में फिट करते ही आपको अलर्ट कर देगी कि आपके दो गज के दायरे के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इस डिवाइस में ऐसी तकनीक भी है जिससे सामने वाला शख्स ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाएगा। देश के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने वाले 11वीं के छात्र प्रांजल सिंह ने इस प्रोटोटाइप मॉडल डिवाइस को कोविड वेस्ट नाम दिया है। इसे पहनने वाला शख्स जब पब्लिक प्लेस में जाएगा तो अगर उसके पास दो गज के दायरे के अंदर कोई भी आने की कोशिश करेगा तो ये डिवाइस बीप बीप करेगी। बीप की आवाज आने के बाद भी अगर वो आपसे दूर नहीं जाता है तो इसमें से ऑटोमेटिक सैनिटाइजर निकलने लगेगा, जिससे सामने वाला खुद ही सैनिटाइज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने इसमें टोटल 6 सेंसर लगाए जो ट्रांसपॉन्डर और रिसीवर पे काम करते हैं, और इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड निकलती है, और जो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है अगर 1.5 मीटर के रेडियस में सर्किल बन जाता है, एक इमेजिनरी सर्किल बन जाता है, जिससे अगर आदमी कोई उसके अंदर आता है या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उससे आवाज़ जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो टकरा के वापस आती है। और इसमें रिसीवर भी लगे हुए हैं तो रिसीवर इसको रिसीव कर लेते हैं साउंड को, उनको पता चल जाता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है 1.5 मीटर के सुरक्षा घेरा के अंदर है। और फिर आर्डिनो में मैंने आर्डिनो में प्रोग्राम करके रखा है, फिर उस आर्डिनो को जैसे ही सेंसिंग मिलती है ये बजर और LED लाइट ऑन कर देता है और बता आदमी जो पहने होता है टी शर्ट को उसको बता देता है कि आपके सुरक्षा घेरे में कोई है, और 5 सेकंड के अंदर अगर वो आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट दूर नहीं हटता है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। तो इसमें और रिले मॉड्यूल का यूज किया हुआ है जो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर पंप कर देगा, आपके ऊपर भी सेंस कर देगा और सामने वाले के ऊपर भी पंप कर देगा। और आप इसमें मैंने 2 आर्डिनो यूज किए तो बेसिकली, क्योंकि एक आर्डिनो जो है इतना लोड नहीं उठा पाता तो 3-3 सेंसर करके इनको टोटल बांट दिया है, और रिले की पावर सिग्नल पिन है उनको एक कॉमन कर दिया है। और इसमें मैंने डी सोलर पैनल यूज करे हैं जो इतने पावरफुल है, यहाँ तक कि आपकी लैपटॉप से निकलने वाली लाइट को, वो मोबाइल से निकलने वाली लाइट को या किसी भी प्रकार की लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इसकी एफिशिएंसी कम हो गई, इसकी कॉस्ट कम हो गई और इसकी बार बार इसका चार्जिंग का झंझट नहीं है। इस खास डिवाइस का इजाद करने वाले प्रांजल इसकी खासियत बताते हुए कहते हैं कि डिवाइस में लगी बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, डिवाइस में लगे सोलर पैनल इसकी बैटरी को चार्ज कर देंगे। इस डिवाइस में दो गज की दूरी का एहसास कराने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर में दो गज का प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि अगर दो गज की दूरी में किसी को खांसी या छींक आती है तो उससे निकलने वाला सलाइवा 2 मीटर तक ही कवर करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें हम लोगों ने टोटल 360 डायरेक्शंस वाला सिस्टम करके रखा है। पहले मैंने जब इसकी डिवाइस पहला प्रोटोटाइप बनाया था इसमें सिर्फ आगे का आदमी जो कोई आता था सेंस करता था, तो मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि सामने से आदमी आ रहा है तभी दिक्कत हो रही, और कहीं और से आएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए मैंने इसमें टोटल 6 सेंसर लगाए अल्ट्रासोनिक के जो एको इलेशन के चीज पे सर्किल सेंसर काम करते हैं। जैसे कि आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है 1.5 मीटर के रेडियस में आएगा तो इसमें से एक आवाज निकलती है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, वो निकलता है ये हमारे इस रेडियस में। और इसमें आर्डिनो यूज किया हुआ है और रिले भी यूज किया हुआ है, जो रिले है वो हमारे सैनिटाइजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मशीन कंट्रोल करती है कि कितना सैनिटाइजर स्प्रे होगा और कितनी देर बाद स्प्रे होगा। और इसमें मैं किया और जम्पर वायर यूज किए हैं और स्विच यूज किया है, आर्डिनो यूज किया है, आईसीज हैं और कुछ ये मोटर ड्राइवर यूज किया है इसके लिए, L2918 यूज किया है, और डी सोलर पैनल यूज किए जो इतने केपेबल है कि इसके जो मोबाइल से निकलने वाली लाइट है उसको भी ये लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे बहुत ज्यादा जो डिवाइस है जो आप इस पे काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। बताइए, एक दिन मैं WHO की, जब ये कोरोना वायरस बिल्कुल नया नया आया था तो मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, तो मैं WHO की वेबसाइट पे सर्च कर रहा था, नेट सर्फ कर रहा था, तो उसमें मैंने गाइडलाइन देखी थी, तो मैं जब गाइडलाइन को मुझे समझ में नहीं आया कि दो गज की दूरी ही क्यों चाहिए, तो मुझे जब पता चला कि जो कोरोना वायरस का मरीज है अगर वो खांसता है या छींकता है तो जो उसकी वो जो सलाइवा है या कोरोना वायरस है वो गोली की रफ्तार से 300 गुना ज़्यादा तेज निकलता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इंस्पायर मिला कि दो गज की दूरी ही इसके लिए रखनी चाहिए और उसके आगे तो जा नहीं सकता, इसलिए मैंने इतनी ही रखी। मेरा सवाल ये, छात्र प्रांजल दो गज की दूरी वाली डिवाइस बनाने के बाद अब इससे 4 कदम आगे निकलने के लिए मास्क डिटेक्शन मशीन बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसकी खासियत ये होगी कि अगर बिना मास्क के कोई बाहर निकलता है तो आसपास के पुलिस थाने में मैसेज पहुंच जाएगा कि कोई बगैर मास्क के घूम रहा है। मिसाइल मैन
कलाम को आदर्श मानने वाले प्रांजल ने तय कर लिया है कि वो आगे चलकर बीटेक करेंगे, लेकिन उसके बाद जॉब नहीं करेंगे। वो एक कंपनी खोलना चाहते हैं जिसमें ऐसे डिवाइस बनाए जाएं जो सस्ते और टिकाऊ हों और देश के काम। कानपुर से आयुष तिवारी की रिपोर्ट।